दूसरे वनडे से पहले ही बीसीसीआई के लिए आई बुरी खबर, सभी खिलाड़ी परेशान। नमस्कार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी अब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के दायरे में आएगा। खेल सचिव आरएस जुलानिया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बीसीसीआई के पास इसके लिए ना कहने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की तमाम खेल नियामक संस्थाएं और सभी खिलाड़ी एक समान है, सभी को एक ही नियम का पालन करना होगा। जुलानिया ने कहा कि किसी को भी इस मामले में विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इस फैसले से सभी खिलाड़ी परेशान हैं और क्योंकि अब वो बीसीसीआई अपने मन की नहीं कर पाएगी। बीसीसीआई सीईओ राहुल जोहरी से शुक्रवार को मुलाकात के बाद जुलानिया ने कहा कि बोर्ड ने लिखित में दिया है कि वह नाडा की डोपिंग निरोधक नीति का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि अब सभी क्रिकेटरों का टेस्ट नाडा करेगी। बीसीसीआई ने हमारे सामने तीन मसले रखे, जिसमें डोप टेस्ट क्रिकेट की गुणवत्ता, पैथोलॉजिस्ट की योग्यता और नमूने इकट्ठे करने की प्रक्रिया शामिल। आपको बता दें कि ताकत बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल को पकड़ने के लिए डोप टेस्ट किया जाता है। किसी भी खिलाड़ी का किसी भी वक्त डोप टेस्ट किया जा सकता है। किसी इवेंट से पहले या ट्रेनिंग कैंप के दौरान डोप टेस्ट में खिलाड़ी का यूरिन लिया जाता है। ये टेस्ट नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी या फिर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से कराए जाते हैं। इसमें खिलाड़ियों के यूरिन को वाडा या नाडा की खास लैब में टेस्ट किया जाता है। नाडा की लैब दिल्ली में और वाडा की लैब दुनिया में कई जगहों पर है। अब तक बीसीसीआई नाडा के दायरे में आने से करता आया है। उसका दावा रहा है कि वो स्वायत्त इकाई है, कोई राष्ट्रीय खेल महासंघ नहीं और सरकार से फंडिंग नहीं लेता। खेल मंत्रालय लगातार कहता आया है कि उसे नाडा के अंतर्गत आना होगा। हाल ही में उसने दक्षिण अफ्रीका ए और महिला टीम के दौरे को मंजूरी रोक दी थी, जिसके बाद अटकलें लगाई जाती थी कि बीसीसीआई पर नाडा के दायरे में आने के लिए दबाव बनाने के मकसद से कैसा किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।